Hey Dalavis, how are you all? Angel numbers and switch words हम सब use करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें उनके result नहीं मिलते। दी एक बार में कितने angel numbers use करना चाहिए? दी best remedy कौन सी होती है angel numbers की? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कितने angel numbers use करने हैं एक बार में? तो यही बोलूंगी, 2 से 3 use कर सकते हो। Like job के लिए use कर सकते हो, health के लिए use कर सकते हो, money के लिए use कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि पूरे हाथ पैरों में angel numbers लिख के बैठे हुए हैं और results का wait कर रहे हैं। बस आप एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 एंजल नंबर्स यूज करिए, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। दी क्या पीरियड्स में एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूं जिससे एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स बहुत मिराकुलस रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि मैं इस टेक्निक को कर चुकी हूं एंड इट शोज, मजा आ जाता है इसको करके। पहली बात तो ये चीज जान लो, जिस एंजल नंबर को एंड स्विचवर्ड को आप यूज कर रहे हो उसको रोज लिखना शुरू कर दो। जब आप एंजल नंबर्स एंड स्विचवर्ड्स को लिखना शुरू कर दोगे तो वो अपने रिजल्ट्स और मिराकुलस दिखाएगा। ठीक, कैसे लिखना है? अपनी एक अच्छी सी कॉपी बना लो, जर्नल बना लो और उसमें रोज ब्लू कलर के पेन से एंजल नंबर्स एंड स्विचवर्ड्स को लिखो। कितनी बार लिखे? पहले 28 टाइम्स लिख लो, फिर 5 to 10 टाइम्स लिख लो, फिर रात को लिख लो। मतलब पूरे टाइम में आपको 108 बार लिखना है। अब आप उसको आधा आधा करके लिख सकते हो, बस आपको उसको रेगुलरिटी के साथ लिखना है। एक बार में चाहो तो एक बार में 28 टाइम्स टू 51 टाइम्स तक आपको लिखना है। लेकिन जब आप एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स रेगुलरली के साथ लिखोगे, ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट देख लोगे। एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स को अगर लिख कर करा जाए तो उसके रिजल्ट्स और मिराकुलसली हो जाते हैं।